हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपनी पत्नी मेघना चौटाला और नौजवान नेता दिग्विजय चौटाला नाल श्री दरबार साहब अमृतसर नतमस्तक होने पहुंचे और परिवार समेत गुरबाणी का आनंद लिया। चौटाला ने कहा कि उन्होंने वालों कोरोना महामारी तो छुटकारा पाने सरबत के भले लिए अरदास की गई है। उन्होंने कहा कि लोगों में आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए और देश की तरक्की लिए अरदास करते हैं। जहरीली शराब के मामले से बोलते उन्होंने कहा कि वह इस मामले में सख्त हैं और हुण तक 1200 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पाकिस्तान नू जा रहे पानी संबंधी उन्होंने कहा कि देश में बहुत टैक्नोलॉजी है, इसलिए पानी किसानों लिए इकट्ठा किया जा सकता है ता जो किसानों नू इसका लाभ मिल सके। आज हमारे परिवार ने ऊपर वाले से यही दुआ करी है कि इस महामारी में सबको शक्ति दे, और जो आज परिस्थिति दुनिया भर के अंदर है उससे कहीं ना कहीं संस्कृति को निजात दिलाने का काम करे। हमेशा गुरु के घर के अंदर जब भी मौका मिला हम सब आए हैं, और एक ही आस्था के साथ कि देश की प्रगति हो, लोगों के घर में खुशियाँ आए, और कहीं ना कहीं जो आज आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है उसमें लोगों को समृद्धि देकर परिवारों में खुशहाली लाने का काम करें। अभी तक हमारे संज्ञान में लॉकडाउन में तो कई केसेज आए थे, हम निरंतर एफिशिएंसी के साथ उनकी हमने चेकिंग करवाई, पकड़ा, और 1250 से ज़्यादा FIR उस दौरान हमने दर्ज किया, और इफेक्टिवली आज भी सर्च एंड सीजर चल रहा है। अगर ऐसी कोई जानकारी हमारे संज्ञान में आती है तो कड़ी कार्रवाई प्रदेश प्रशासन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च कोर्ट, और मैं मानता हूँ कि निर्णय जो उनने 2 साल पहले किया था आज कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंटेशन की ओर ले जाने का समय है। आज जो पाकिस्तान में पानी जा रहा है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जब सड़कों को बना सकती है, एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ सकती है, तो क्यों नहीं हम रिसोर्सेज अपने जोड़ कर वो जो एक खपत की ज़रूरत है जिसका हमें हर साल पाकिस्तान को लॉसेज की भरपाई करने के लिए पैसा देना पड़ता है, उसको हम अपने प्रदेश में, देश के अलग अलग प्रदेशों में डाइवर्ट करें, जिससे अपने इलाके के अंदर भी एग्रीकल्चर समृद्ध हो, किसान को पानी की पर्याप्त मात्रा। श्री अमृतसर साहिब तो ललित शर्मा की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।